पब्लिक है ना, अनलिस्टेड नहीं है ना, पब्लिक है ना, पब्लिक है ना, करो लाइव, माला दिसत नहीं का? हाँ दिसला, हेलो माइक चेक, आवाज ऑडो हो थोड़ा, यस फुल स्क्रीन करून टाकता इकडे, फुल स्क्रीन कर इकडे, चलो माइक चेक गाइस, गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक कर लो, ओके चलो, सो बिफोर वी स्टार्ट विद द रिविजन लेक्चर फॉर टुडे, जिसमें अपना चैप्टर नंबर 1 सिर्फ बाकी है, तो हम लोग जैसे अभी डिस्कस करें, गाइज ऑन द यूट्यूब एज वेल, लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे भी ध्यान से सुनना, तो हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग बात करेंगे आज चैप्टर नंबर 1 की और कंप्लीट करेंगे अबाउट व्हाट द बिजनेस इकोनॉमिक्स, फिर आपको 4 डेज आपको खुद पढ़ने के लिए दूंगा क्या चीज बीसी के, एंड फ्रॉम द कमिंग मंडे, मंडे टू वेडनेसडे में हम लोग बीसी के को रिवाइज करेंगे, सो 4 दिन आप अपने आप से उसको बीसी के को पढ़ो, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम लोग क्या करेंगे बीसी के को रिवाइज करेंगे, एंड देन वील कंप्लीट आर रिविजन सीरीज, ओके ओके चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, एकदम ध्यान से जवाब देते जाना, फिर से याद दिला दूं कि ये रिविजन है, रेगुलर लेक्चर नहीं है, तो मैं जो आपसे सवाल पूछूंगा उसका जवाब आपने देने की कोशिश पूरी पूरी करनी है, ठीक है, ओके। इकोनॉमिक्स डिराइव्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम अ डैश लैंग्वेज, वो लैंग्वेज क्या है, ग्रीक, वो जो वर्ड है उस वर्ड का नाम क्या है, वो वर्ड क्या है, इकोनोमिया, क्या बोलेंगे, इकोनोमिया, बराबर, और उसका मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड। मुझे बताओ दोस्तों, टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स वॉज नोन एज विच इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, हु इज नोन एज द पप्पा ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ, सो हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ ने किताब लिखी थी, उसका बुक का पूरा नाम क्या था, एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, उसको शॉर्ट में, उसको एब्रीवेशन क्या बोला जाता था, वेल्थ ऑफ नेशंस, क्या यहां तक कॉन्फिडेंस है आपको, यस सर, उसके बाद मुझे एक बात बताओ, ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, मेरी आंखों में आके डाल के जवाब दो, ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड द मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वॉन्ट्स आर लिमिटेड, तो इस वजह से क्या इंसान की सारी मांगे पूरी हो सकती है क्या, नो सर, तो ये जो प्रॉब्लम है क्या ये सब फेस करते हैं क्या, क्या ये इंडिविजुअल फेस करता है, क्या ये सोसाइटी फेस करती है, क्या ये नेशन भी फेस करता है, यस सर, उसके बाद व्हाट आर द 2 फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, हाँ बोलो ना भाई, वही तो है, 2 फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड द मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वॉन्ट्स आर लिमिटेड, आई बात समझ में आपको, यस सर, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वॉन्ट्स आर लिमिटेड, यस सर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, सर इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमारे पास और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हम लोग फेस करते हैं, जैसे इन्फ्लेशन है, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग फेस भी करते हैं, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, यस सर, क्या इकोनॉमिक्स मुझे इन सारे दुखों दर्द का निवारण करके देगा क्या, बोलो नहीं, इकोनॉमिक्स विल नॉट प्रोवाइड यू विद द 100% सोल्यूशन, बट इट विल गाइड यू एज टू हाउ टू टैकल दोज प्रॉब्लम्स, इस दर्द को किस तरीके से आप टैकल कर सकते हो वो आपको बताएगा, बट 100% प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगा, मतलब वो तो आपको एक गाइडेंस देगा ना कि किस तरीके से आप उन प्रॉब्लम्स को डील करोगे, आई बात समझ में, गारंटी नहीं देगा कि सॉल्व होगा ही करके, आई बात समझ में, यस सर, उसके बाद बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज वॉट वी स्टडीड, क्या बोला था, इकोनॉमिक्स मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट, बट अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में, सो बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विथ वॉट, डिसीजन मेकिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विथ वॉट, डिसीजन मेकिंग, आप समझो आपके पास बहुत सारे अलग अलग अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, आपके पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, विद द गिवन रिसोर्सेस आप एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हो जिससे कि आपका जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव आपका पूरा हो, जब अमंग ऑल दीज डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अगर आप कोई एक अल्टरनेटिव, कोई एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना इसे ही कहते हैं ना,
हम लोग डिसीजन लेना किसे कहते हैं भाई? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से एक सिलेक्ट किया, वो जो सिलेक्ट किया उसको आपने क्या किया? डिसीजन लिया ना मालिक, कोई डिफिकल्टी यहां तक? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए, क्या फर्म ने ऐसा करना चाहिए, क्या वैसा करना चाहिए, क्या, ये बहुत सारे डिसीजंस वाले क्वेश्चन अपन ने देखे थे। ओके, उसके बाद एक तो बात हो गई थी 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स वाज कॉल्ड एज विच इकोनॉमिक्स? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। बट अब बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज विच इकोनॉमिक्स? मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, और ऑल्सो कॉल्ड एज द अप्लाइड इकोनॉमिक्स। भूलने का नहीं, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने मार्क भी करा था इसको। तो हम लोग ने क्या बोला, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज विच इकोनॉमिक्स? मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट? अप्लाइड इकोनॉमिक्स। क्योंकि आप समझो, इट इज नॉट जस्ट अ नॉलेज, बट हम लोग इस नॉलेज को अप्लाई भी करते हैं, हम लोग इस नॉलेज को यूज करते हैं अपने बिजनेस में। Therefore, it is called as which economics? Applied economics. ये management use करता है, इसके लिए it is also called as what? Managerial economics. Confidence है आपको? Yes sir. उसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर ये बहुत सारे अलग अलग theories use करता है, जैसे हमने बात करी थी operations research, management, statistics, mathematics, theory of decision making, ये सारी चीजें वो लोग use करते हैं। यहां तक कोई difficulty है आपको? नो सर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? तो मालिक, ये अलग अलग जो क्या बोलते हैं इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी है। बॉटम लाइन क्या है कि बाबा, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट? डिसीजन मेकिंग। अब देखोगे, फर्स्ट इट इज एन एनालिसिस टू मेक व्हाट? डिसीजंस। बराबर, यूज ऑफ इन्वॉल्विंग व्हाट? ऑर्गेनाइजेशंस स्केयर्स रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशंस के स्केयर्स रिसोर्सेज को मद्देनजर रखते हुए आपने ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, भाई कौन सा ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है वो आपने डिसाइड करना है। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्हिच इज कंसर्न्ड विद व्हाट? डिसीजन मेकिंग। ऐसे ही बहुत सारा डेफिनेशंस दिया गया है। जोल डीन वो क्या कहता है, इट इज एन एनालिसिस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ व्हाट? बिजनेस पॉलिसीज। अब आपको याद होगा पॉलिसी, या हमने बीसीके में पढ़ा था पब्लिक पॉलिसी, याद आता है? बट पॉलिसी की जब बात करते हैं तो पॉलिसी मतलब क्या है? पॉलिसी इज अ डिसीजन टेकन बेस्ड ऑन व्हाट? द गोल। अरे याद है क्या आपको? आपको याद दिला दूं कि जब पब्लिक पॉलिसी की बात कर रहे थे तो हम लोग ने क्या बात करी थी, कि पहले हम लोग को एक गोल डिसाइड करना होता है, उस गोल के बेसिस पे हम लोग क्या लेते हैं? डिसीजन। और वो डिसीजन बन जाता है क्या? पॉलिसी। भाई वो जोएल डीन क्या बोल रहा है? यही बोल रहा ना कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज व्हाट? इज व्हाट? बिजनेस पॉलिसीज। पॉलिसी इज व्हाट? डिसीजन टेकन इन लाइन विद व्हाट? योर गोल। समझ में आई बात आपको? यस सर। उसके बाद लास्ट में कहता है, इट इज ऑल्सो अ कॉम्पोनेंट ऑफ व्हाट? अप्लाइड इकोनॉमिक्स। एज इट इज व्हाट? एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? अप्लाइड इकोनॉमिक्स मतलब क्या कहता है, कुछ चीजों को वो क्या करेगा? अप्लाई करेगा। अप्लाई करेगा मतलब यूज करेगा। क्या चीजों को यूज करेगा? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन एनालिसिस, कैपिटल बजेटिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस। इफ यू रिमेंबर, हम लोग फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग करते थे, तो हम लोग डिमांड फोरकास्टिंग में एनालिसिस करते थे ना, अलग अलग मेथड्स, ग्राफिकल मेथड यूज करते थे, ट्रेंड को प्रिडिक्ट करते थे। भाई ये सब इकोनॉमिक्स का ही तो पार्ट था, और ये हम लोग एक्चुअली अप्लाई कर रहे थे, हम लोग इसको यूज कर रहे थे। सो देयरफॉर मेरा बच्चा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विच इकोनॉमिक्स? अप्लाइड इकोनॉमिक्स। आई बात समझ में? सो बॉटम लाइन, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद व्हाट? डिसीजन मेकिंग। बोलना पड़ेगा एक बार आपको, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद व्हाट? डिसीजन मेकिंग। पॉइंट नंबर वन क्लियर है। डिसीजन लेना मतलब क्या करना है, आपके पास अलग अलग अल्टरनेटिव्स, आपके पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, उन ऑप्शंस में से आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, कंसीडरिंग योर स्केर्स रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उसको मद्देनजर रखते हुए आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, वही आपका क्या हो जाता है? डिसीजन होता है। अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने इसके बारे में कहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है, इट इज व्हाट? बिजनेस पॉलिसीज है, इट इज व्हाट? इट इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिकॉज वी यूज ऑल दोस क्वालिटेटिव टेक्निक्स। क्लियर एकदम? यस सर। आगे बढ़ते, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। फर्स्ट, इट इज व्हाट? अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान देते जाना, खत्म हो जाएगा चैप्टर, बहुत ईजी है। इफ यू रिमेंबर, उसका यूनिट अगर आप देखोगे तो यूनिट वन आधा खत्म हो गया है अपना, सही है ना? सो बिजनेस इकोनॉमिक्स, इट इज व्हाट? माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेस्ड ऑन व्हाट? माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या सर, उसके बारे में समझते हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्मॉल। माइक्रो इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस, एम आई के आर ओ एस, बराबर कि नहीं? माइक्रोस, बराबर। दैट इज द, उसका मीनिंग क्या है? स्मॉल। तो आप समझो मेरी बात को,
कि हम लोग क्या कहते हैं कि जब हम लोग फोकस करते हैं ऑन इंडिविजुअल आइटम्स, जब हम लोग फोकस करते हैं ऑन स्मॉल स्मॉल पार्ट्स रैदर देन टोटैलिटी रैदर देन एग्रीगेट, हम लोग छोटी छोटी चीजों पे जब फोकस करते हैं बराबर, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई बात समझ में? जो वाइडर एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है। इंडिविजुअल किस तरीके से उसके स्केस रिसोर्सेस को यूज करता है, एक फर्म अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस कैसे यूज करती है, जब वो इंडिविजुअल चीजों की बात करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एज व्हाट, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स कौन से हैं, क्या क्या आता है इसके अंदर, तो हमने इसका मेमोरी टेक्निक दिया था, एफ सी पे लोकसभा, एफ मतलब फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर मतलब अपने जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, जो अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसके प्राइसिंग्स को अपन जब बात करते हैं तो उसको ध्यान देना, इंडिविजुअल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, तो दैट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ व्हाट, माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर बराबर, इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना बराबर, फिर उसके बाद लोकेशन ऑफ नहीं सॉरी प्रोडक्ट प्राइसिंग, जो अपना फिनिश प्रोडक्ट है उसको किस प्राइस पे बेचना है, ई मतलब क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल, मतलब टोटल इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे, कुछ सेक्शन ऑफ पीपल की बात कर रहे, आई बात समझ में, कुछ बिरादरी के लोगों की बात कर रहे, तो इंडिविजुअली एज अ सोसाइटी एक छोटा सा पार्ट स्टडी कर रहे, इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो क्या क्या पॉइंट्स हुए, फैक्टर प्राइसिंग, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्ट प्राइसिंग, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल, देन स्टडी ऑफ फर्म्स बराबर, बिहेवियर ऑफ फर्म्स, दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज व्हाट द, बोलो ना स्टडी ऑफ फर्म्स मतलब ही क्या, बिहेवियर ऑफ फर्म्स बराबर, क्या नहीं, और लोक मतलब क्या कहेंगे, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, राइट। अब बात करते हैं मैक्रो की, मैक्रो की जब चर्चा करते हैं तो मैक्रो मतलब अपन क्या कहते हैं, एग्रीगेट में देखना, लार्ज स्केल पे देखना, टोटैलिटी में देखना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो के फीचर्स की अगर अपन बात करें तो उसमें क्या कहते हैं, सी बिग, एस मतलब क्या, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ई मतलब क्या, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी, रुपी वर्सेस डॉलर, पाउंड, येन, यूरो बराबर, क्या नहीं, फिर उसके बाद ई मतलब क्या कहता है, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बराबर, फिर उसके बाद बी मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट्स, यू नो व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट्स, जब हम लोग फॉरेन ट्रेड करते हैं सो देर विल बी व्हाट, सम पेएबल्स एंड सम रिसीवेबल्स, सो उसका जो बैलेंस है नेट इंपैक्ट, कि अपने को देना बनता है या आना बनता है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट्स। फिर उसके बाद आई मतलब क्या कहते हैं, नेशनल इनकम एंड आउटपुट, क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम एंड आउटपुट, एंड लास्ट में अपन कहते हैं जनरल प्राइस लेवल, दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द इन्फ्लेशन। आई बात समझ में? यस सर। सो दैट इज व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर? क्लास का सारा डिस्कशन याद आ रहा है आपको? यस सर। उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद व्हाट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ध्यान में रखना, इवन दो इट इनकॉर्पोरेट्स द एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ध्यान में रखना, और एक पॉइंट है आगे, इवन दो इट इनकॉर्पोरेट्स, देखो अपने बिजनेस के डिसीजंस लेने के लिए नो डाउट हमें मैक्रो एनवायरनमेंट को फोकस करना पड़ेगा। अब जैसे आपने बीसी के पढ़ा है तो आप रिविजन करने में बातें सारी आपको अच्छे से क्लिक होगी, समझो बात को, मुझे अपने डिसीजंस लेने हैं, मैं अपने डिसीजंस ले रहा हूं, मतलब मैं माइक्रो हूं या मैक्रो हूं, मैं अपने खुद की बात कर रहा हूं, तो इट इज व्हाट, माइक्रो, तो मुझे मेरे बिजनेस के डिसीजंस लेने हैं, बट मेरे बिजनेस के बाहर क्या है, एनवायरमेंट, मेरे बिजनेस के बाहर क्या है, एनवायरमेंट, क्या ये एनवायरमेंट मेरे बिजनेस को अफेक्ट करता है क्या, तो मुझे अगर बिजनेस डिसीजन लेने हैं तो क्या मैंने इस एनवायरमेंट को भी फोकस करना है क्या, और इस एनवायरमेंट में क्या क्या था आपको पता है, गवर्नमेंट है, कॉम्पिटिटर है, सप्लायर है, कस्टमर है, ये सब बातें करी थी कि नहीं, तो इट इनकॉर्पोरेट्स द एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट, बोलो यस और नो, अरे माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा ना, बट इट इज एसेंशियली बेस्ड ऑन व्हाट, माइक्रो, क्योंकि मुझे मेरे फर्म का डिमांड, सप्लाई, मेरे कंज्यूमर का बिहेवियर, मैंने कितने क्वांटिटी प्रोड्यूस करने हैं, क्या कॉस्ट पे प्रोड्यूस करने हैं, ये सब मैंने डिसाइड करना है ना, समझा क्या बात को, क्लियर है एकदम? यस सर। सो क्या कहते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विथ व्हाट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट वो क्या कहता है यहां पे, बताओ, इट इनकॉर्पोरेट्स द एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो, सॉरी, इट इनकॉर्पोरेट्स द एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनालिसिस, क्लियर है एकदम बात? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं।
बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये वाला भी पॉइंट हो गया इसके फीचर में. अब बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट. साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस मतलब हम लोग कहते हैं इट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एज साइंस, बट दैट प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एज एन व्हाट? आर्ट. सही है एकदम? यस सर. उसके बाद ये सारी बात एकदम सिंपल है. इट यूजेस द थियोरी ऑफ व्हाट? मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस. सो मतलब क्या है मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस? मतलब क्या? प्राइवेट मतलब इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं. बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो पे बेस्ड है, तो इसमें हम लोग कौन से मार्केट में कितना प्रोडक्ट सप्लाई करना, कितना नहीं करना, ये सब बातें हम लोग देखते हैं. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स लार्जली यूजेस द थियोरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस. इट इज प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, मतलब वो रियल लाइफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है उसको डील करने में मदद करते हैं. बराबर के नहीं? सो इट टैकल्स व्हाट द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स व्हिच द फर्म्स फेसेस. क्लियर है? इसका मतलब क्या है? इट इज प्रैग्मेटिक. जो न्यू एज प्रॉब्लम्स अपने को आते हैं, जो नए जमाने के हमको दुविधाएं आती है, उन दुविधाओं को किस तरीके से डील करें, ये हमें कौन सिखाता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स सिखाता है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रैग्मेटिक इन अप्रोच. आज हम लोग एक नॉर्मल ब्रिक एंड मोर्टार से या ट्रेडिशनल बिजनेस से हम लोग आज ऑनलाइन बिजनेस में चले गए हैं, तो ये ऑनलाइन बिजनेस जब आ गया है तो बिजनेस करने का तरीका बदला है ना, तो ये तौर तरीके बदल रहे हैं, तो इसको किस तरीके से अडैप्ट करें, इनमें जो नए चैलेंजेस जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उनको किस तरीके से डील करें, ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें कौन हेल्प करेगा? बिजनेस इकोनॉमिक्स. बराबर? इट इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर. इट यूजेस व्हाट? मैथमेटिक्स, ऑपरेशंस रिसर्च, मैनेजमेंट थियोरी, अकाउंटिंग, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीजें वो यूज करता है. क्लियर एकदम बात? यस सर. उसके बाद अब दो बातें हैं, एक नॉर्मेटिव इन नेचर एंड बोलो ना क्या है, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव है कि पॉजिटिव है? सो पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस? पॉजिटिव साइंस क्या है? पॉजिटिव साइंस क्या है? अरे पॉजिटिव साइंस क्या है? मतलब पॉजिटिव साइंस मतलब हम लोग बोलते हैं व्हाट इज. पॉजिटिव साइंस मतलब क्या बोलते हैं? व्हाट इज. उसके अंदर कोई भी वैल्यू जजमेंट दिया नहीं जाता है. इट ओनली स्टेट्स द फैक्ट कि ऐसा है. उसमें कोई भी ज्ञान की बातें नहीं दी जाती है. इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट. देयर इज लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री. इट इज जस्ट अ फैक्ट. आई बात समझ में आपको? इसके अंदर हम लोग कोई भी सुझाव प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं. इट इज जस्ट स्टेटमेंट ऑफ व्हाट? फैक्ट्स. सो दिस माय डियर फ्रेंड्स इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? द पॉजिटिव साइंस. व्हाट इज नॉर्मेटिव साइंस? क्या होना चाहिए, मतलब उसके अंदर हम लोग वैल्यू जजमेंट पास करते हैं कि मालिक इसके अंदर क्या होना चाहिए. इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, देयरफॉर वी शुड ब्रिंग इन मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री. इसके अंदर आपने क्या किया? आपने सुझाव दिया इंडिया इज अ पुअर कंट्री, देयरफॉर द टैक्स रेट शुड बी इंक्रीज्ड टू टेक फ्रॉम द रिच एंड गिव इट टू द पुअर. ये क्या हुआ? इसके अंदर आपने क्या किया? आपने प्रस्ताव दिया है, आपने सुझाव दिया है, आपने वैल्यू जजमेंट दिया है. इट इज नथिंग बट कॉल्ड एज विथ साइंस, नॉर्मेटिव साइंस. आई बात समझ में आपको? यस सर. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर. ऐसा क्यों सर? क्योंकि हम लोग को डिसीजन लेना है, तो डिसीजन मतलब हमें बोलना पड़ेगा ना कि ऐसा करना है. अरे समझे क्या बात को? Therefore, it is what normative in nature. Shall we proceed from here? Yes, sir. अब scope of business economics की अगर बात करें तो इसके अंदर दो बातें आते हैं, micro economics and macro economics. बराबर के नहीं? So, अभी आपको बता होगा micro economics applied to internal issues, macro external issues. So, जैसे अपन बात करते हैं अपने issues क्या क्या आ सकते हैं micro economics में, अपने operational issues की जो हम लोग जिस तरीके से काम धंधा करते हैं, बराबर वो आते हैं. तो जैसे हमारे क्या क्या कंसर्न्स हो सकते हैं कि अपने बिजनेस का साइज क्या होना चाहिए, अपना प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए, कौन से मार्केट में वो प्रोडक्ट होना चाहिए, किस तरीके से उस प्रोडक्ट को बनाएं, कैसे कॉस्ट को कंट्रोल करें, किस तरीके से कॉस्ट को रिड्यूस करें, ये सारे जो अपने अंदरूनी इश्यूज है, जो बिजनेस के अंदर जो इश्यूज आते हैं, कितना स्टॉक रखे, बराबर के नहीं, कौन से सप्लायर्स को मटेरियल कुछ से ले, ये जो इंटरनल इश्यूज है इसको अपन क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज. आई बात समझ में? और द इंटरनल इश्यूज. क्लियर है एकदम? यस सर.
तो जैसे अपना डिमांड कितना हो, प्रोडक्शन कॉस्ट, अब ये सब अपने चैप्टर्स ही तो है भाई, है कि नहीं? यस सर। सो डिमांड, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर, रिसोर्स एलोकेशन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना प्रॉफिट, उसका एनालिसिस, रिस्क, अनसर्टेनिटी एक्सेट्रा। और मैक्रो में अब आप देखोगे, अब जब ये मैक्रो के पॉइंट्स आप पढ़ते हो तो आपको दिखेगा पूरा बीसीके के हिसाब से जो पॉइंट्स आपको दिखेंगे वो दिखेगा कि द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, अ मिक्स, स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, वेदर वी आर इनटू व्हाट, ये मैक्रो लेवल पे है ना सब भाई, बराबर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना ये सब भाई। सो स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल, तो बिजनेस साइकिल्स कल बात करी थी कौन से होते हैं, ट्रो, फिर उसके बाद रिकवरी, एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन, ये सब बातें करी थी हमने, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं। और इसी के साथ अपना यूनिट नंबर वन खत्म होता है, इजी है क्या एकदम? क्या बच्चों बिजनेस इकोनॉमिक्स पे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड, चलो मजा आ गया, बराबर कॉन्फिडेंस है ना आपको? अरे बोलना पड़ेगा। अब बात करते हैं अबाउट व्हाट, सेकेंड यूनिट, सेकेंड यूनिट, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ व्हाट एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। अब आप समझो व्हाट आर द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी इज बेसिकली व्हाट, द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो मालिक व्हाट आर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, क्या, कैसे, किसके लिए एंड प्रोविजंस फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये चार प्रॉब्लम्स है, बराबर के नहीं? देखो आप समझो, बेसिकली जो मेन अपना फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द मींस टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर लिमिटेड। ये एक अपना सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, है भाई, है। हाँ ओके ओके, तो अपना सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है मालिक? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मींस टू सेटिस्फाई दोज वांट्स लिमिटेड, ओके सही है ना एकदम? यस सर। तो भाई ये प्रॉब्लम को और चार हिस्सों में सब डिवाइड किया जाता है, और डिवाइड किया जाता है उसको, वो कौन से चार सब प्रॉब्लम्स में आता है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड प्रोविजंस फॉर फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ। आई बात समझ में? तो ये किसके लिए बनाए, कैसे बनाए, बराबर, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, क्या बनाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए, क्या बनाए, ये सारी बातें आएगी। आई बात समझ में? यस सर। फिर उसके बाद बात करते हैं इस दुनिया में तीन तरीके की इकोनॉमिक सिस्टम्स पाई जाती है, वो कौन से हैं? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। कौन से तीन टाइप की इकोनॉमिक्स पाई जाती है भाइयों बहनों? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर सरकार कोई भी रोल प्ले नहीं करेगी, सरकार कुछ भी आपको डिसाइड करने में नहीं हेल्प करेगी, सरकार बोलेगी तुम तुम्हारा देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो ये टाइप के इकोनॉमी को कहा जाता है लेसीज फेयर। क्या बोलते हैं इसको? लेसीज फेयर, मतलब नो रोल ऑफ गवर्नमेंट। यहां पे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस and provisions for future economic growth, these decisions are taken based on the market forces of demand and supply. मतलब market decide करेगा what to produce, how to produce, for whom to produce. इसीलिए इस economy को कहा जाता है also as free market economy, क्योंकि market decide करेगा, market जो बोलेगा उसके हिसाब से बनाएंगे दोस्तों। आई बात समझ में? तो यहां पे आप समझो इस इकोनॉमी को कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, लेसीज फेयर इकोनॉमी या फ्री मार्केट इकोनॉमी। इस मार्केट की खास बात समझो दोस्तों, इसके अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मतलब लोग जमीन अपने नाम पे खरीद सकते हैं, रख सकते हैं और उस जमीन पे मनचाहा बिजनेस कर सकते हैं। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है ही है, प्लस देयर इज फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, मनचाहा बिजनेस, जो चाहिए वो धंधा करो, कोई रोकेगा नहीं आपको, सब्जेक्ट टू सरकार कुछ लिमिटेशंस लगाएगी अगर वो जनहित में आप धंधा नहीं कर रहे हो तो। नहीं तो पता चले आपके प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप लोगों को टेररिज्म का ट्रेनिंग दे रहे हो, सरकार कैसे चला के लेगी, आप लोगों को बॉम्ब किस तरीके से बनाना है वो आप बता रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा, आप यहां पे जुआ वगैरह चला रहे हो जो इलीगल है, कैसे चलेगा, समझे बात को? तो गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल होगा,
बट अदरवाइज गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई रोल नहीं है. सो इसके अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के अंदर आप मन चाहा बिजनेस करोगे. बट सर कौन सा बिजनेस करोगे, तो उसके अंदर होता है प्रॉफिट मोटिव. प्रॉफिट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एन इकोनॉमी. क्या बोलते हैं, प्रॉफिट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एन इकोनॉमी. उन्हें जो काम करने की जो इच्छा होती है ना, वो किस बुनियाद पे होती है, उनको पता है कि जब अपन काम करेंगे तो अपने को बहुत सारा प्रॉफिट होगा, बहुत पैसा ही पैसा होगा. आई बात समझ में आपको. उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट व्हाट, कि कंज्यूमर को भी फ्रीडम ऑफ चॉइस मेकिंग दिया गया है. जो चाहिए प्रोडक्ट आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, जो चाहिए प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो. देर इज फ्रीडम ऑफ व्हाट चॉइस मेकिंग टू द कंज्यूमर्स एज वेल. और कहते हैं देर इज कंज्यूमर सॉवरनिटी इज देर. कंज्यूमर सॉवरनिटी मतलब समझते हो, कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर बादशाह है. जो कंज्यूमर बोलेगा मालिक, उसके हिसाब से वो प्रोड्यूसर बनाएगा. आई बात समझ में. तो दोस्तों ये सारे फीचर्स है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, प्रॉफिट मोटिव, उसके बाद कंज्यूमर सॉवरनिटी, फिर देर इज एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, एंड देर इज कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन किसके बीच में, बायर बायर एंड सेलर सेलर के बीच में. आई बात समझ में आपको, यस सर. बाकी तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो आपको पता है. एडवांटेजेस में क्या कहते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, कंज्यूमर सॉवरनिटी है, बराबर रिवॉर्ड दिया जाता है, अगर अच्छे काम करोगे तो रिवॉर्ड मिलता है आपको, बराबर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है यहाँ पे, बराबर लेबर को अच्छे खासे इंसेंटिव्स मिलते हैं. अरे बोलो बच्चों, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हम लोग ने देखे थे, बराबर. तो ये सारे उसके फीचर्स है जिसके अंदर कंपटीशन से एक दूसरे का फायदा होता है, नए तकनीकें, नए टेक्नोलॉजी आती है, नई तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं. रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट को डेटा कोई कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप में वो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं. बट इसके डिसएडवांटेजेस में क्या है, कंज्यूमर सॉवरनिटी एक मिथ है, लेबर्स का एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉयटेशन होता है, बराबर मिस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है यहाँ पे, बराबर. फिर उसके बाद और क्या कहते हैं, अनप्लान्ड ग्रोथ होता है, ओवर प्रोडक्शन हो सकता है. तो ये सारी इसके अंदर क्या है, डिसएडवांटेजेस है. फिर उसके बाद देवी और सज्जनों, सोशलिस्ट इकोनॉमी. सोशलिस्ट इकोनॉमी की अगर अपन बात करें तो किसने डिफाइन किया ये, हाँ, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स इन द ईयर 1848. आई बात समझ में. वो एडम स्मिथ साहब ने किताब लिखी थी, वो कौन से इसमें लिखी थी, 71 में, बहुत पहले जाना तेरे को, 1776, बराबर. एडम स्मिथ कॉलिंग वो डेट ऑफ बर्थ लिखा था ना आगे, फिर ऐसा कैसा बोल रहे, बराबर. ओके, तो यहाँ पे 1848 में इन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सोशलिस्ट इकोनॉमी को डिफाइन किया गया था, जिसके अंदर क्या कहता है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसकी डिमांड है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जिसकी औकात है, कैसे प्रोड्यूस करेंगे जिसमें खर्चा कम लगे, वैसे बात करेंगे ना. बट इसके अंदर क्या कहता है सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, तो मालिक सोशलिस्ट इकोनॉमी में बोलता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, सब सरकार बोलेगी हमको, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे. आई बात समझ में. तो दिस टाइप ऑफ एन इकोनॉमी इज कॉल्ड एज विच इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी. वो कैसा है, फ्री है, ये कमांड है, बिकॉज एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होता है जो ऑर्डर्स छोड़ता है, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो. आई बात समझ में आपको, यस सर. और फिर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस मालिक बहुत सिंपल है, जो एडवांटेजेस हम लोग ने कैपिटलिस्ट में पढ़े वो इसके डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं, जो डिसएडवांटेजेस हमने कैपिटलिस्ट में पढ़े वो मालिक इसके एडवांटेजेस हो जाते हैं. सही बात है ना एकदम, यस सर. और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है मालिक, ये हाइब्रिड है, ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों के एडवांटेजेस को लेके दोनों के डिसएडवांटेजेस को साइड में रखता है. इसके लिए आपको इसके अंदर सिर्फ एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस दिखेंगे, या फिनिश. इसी के साथ क्या खत्म हो गया, अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स का पूरा पूरा अच्छे से रिवीजन खत्म हो गया. सी वी टुक 7 lectures, ऑन एन एवरेज हमने हर एक लेक्चर एक एक चैप्टर को दिया है, बराबर. काफी बढ़िया रिविजन किया है ये, इट इज काइंड ऑफ अ मैराथन, बट जस्ट स्प्रेड ओवर वॉट 7 lectures. अगर आप अब इन लेक्चर्स को किस तरीके से यूटिलाइज करना, ध्यान सुनना, आप एग्जाम से आते हो, फिर आपके पास टाइम बचता है, बराबर कि नहीं, आपका बैक टू बैक पेपर होता है कि एक के बाद एक होता है, मतलब बैक टू बैक होता है ना चिपक चिपक के, कि एक दिन छुट्टी होती है, एक दिन छुट्टी होती है ना, तो फिर आपने क्या करना, जैसे एक पेपर दे के आए ना आप लोग, बराबर शाम में आ गए आप लोग,
तो फिर उस समय पे आपने क्या करना, शाम में पूरा दिमाग थका हुआ होता है, एक पेपर दे के आए हुए प्रेशर होता है, खुद से पढ़ाई नहीं होती है, तो उस समय पे आपने ये जो 7 लेक्चर्स है बराबर छोटे छोटे ही लेक्चर्स है, पहला लेक्चर कुछ डेढ़ पौने 2 घंटे का है, उसके बाद 1.25 घंटे का है, फिर उसके बाद 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा ऐसे ही कुल मिला के अगर आप देखोगे तो इसका ड्यूरेशन लगभग 6-7 घंटे तक का होता है, 7-7.5 घंटे का पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स अपना रिवाइज होता है इन 7 आवर्स। क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो आपने वो बैक टू बैक आपने देखना है, 1.5x पे भी देखा तो भी आपका वो 7 आवर्स का लेक्चर वो हो जाएगा करीबन 4-5 घंटे में हो जाएगा आपका। अरे बोलो सही है ना एकदम? यस सर। तो ऐसे आपने ये लेक्चर को देखना है, 4 घंटे में खत्म हो गया, 3 घंटे में 4 घंटे में अपना बिजनेस BC के रिवाइज हो जाएगा। आई बात समझ में? तो उस शाम में आपका पूरा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट रिविजन हो जाएगा। समझ रहे बात को? बोलो यस और नो। फिर जो नेक्स्ट डे रहेगा ना, फिर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ MCQs सॉल्व करने हैं। जितने MCQs सॉल्व कर सकते हैं उतने सॉल्व करने। समझा क्या बात को? दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी, दिस शुड बी द अप्रोच। बराबर। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज पेपर। अभी आप देख रहे ना, कल पेपर को जा रहे ना, तो बच्चा कल पेपर है ना तेरा, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से लिखना है ना। अभी अपन BC के रिवाइज करेंगे, तो अभी एक 5-10 मिनट का ब्रेक ले, फिर अपन BC के रिवाइज करेंगे है ना। तो अच्छे से अभी एकदम फुल, अभी जो पिछले पेपर में जो हुआ वो कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। अब इकोनॉमिक्स में अपने को नेक्स्ट लेवल स्कोर करना है, पूरा एग्रीगेट का दर्द अपने को दूर करना है, तो मैं है तेरे साथ, टेंशन मत ले, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। चलो आप तभी देखोगे ना ये लेक्चर को, तो मैं रहूंगा आपके साथ बराबर, क्लास के साथ भी, क्लास के बाद भी, बराबर के नहीं? यस। तो अब हम लोग मंडे को मिलेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग वालों, यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं वो भी बता दूं, मंडे को अब मिलेंगे और मंडे को लाइव रिविजन करेंगे। फॉर वॉट? BC के। आज वेडनेसडे है, सो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, 5 डेज आई एम गिविंग यू कि आप एक बार BC के अपने आप से पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। राइट? बोलो हाँ या ना? यस सर, थैंक यू वेरी मच। और उसमें बिजनेस टर्मिनोलॉजीज रिवाइज नहीं कराऊंगा, मारे का वो क्या ही रिवाइज करूँ, वो तो मतलब पूरा समझाना ही पड़ेगा ना, रिवाइज करा मतलब, वो तो पूरा समझाया है अपन ने। अरे बोलो माई बाप, अगर कुछ टर्मिनोलॉजी आपको समझी नहीं होगी तो यू कैन आस्क मी ऑन मंडे। अरे बोलो भाई, तो आप जो जो बोलोगे वो मैं समझा दूंगा आपको। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइज ऑन मंडे, बाय बाय।